देश भर में कोविड की महामारी से हर कोई आहत है और इन विकट हालातों में सरकारों ने अपनी सारी मशीनरी झोंक रखी है। बढ़ते आंकड़ों के बीच लाचार होते सिस्टम के लिए भामाशाह किसी वरदान से कम नजर नहीं आ रहे। शनिवार को बाड़मेर जिला प्रशासन और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड द्वारा 30 आईसीयू बेड, 15 आईसीयू बेड, हैलीबर्टन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10 बेड, 4 ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रिक्टर और 5 मल्टीपैरा मॉनिटर प्रवीण एंड कंपनी कवास द्वारा जिला प्रशासन को सौंपे गए। इस अवसर पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला कलेक्टर लोकबंधु समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। देश भर में कोविड की महामारी से हर कोई आहत है और इन विकट हालातों में सरकारों ने अपनी सारी मशीनरी झोंक रखी है। बढ़ते आंकड़ों के बीच लाचार होते सिस्टम के लिए भामाशाह किसी वरदान से कम नजर नहीं आ रहे। सरहदी बाड़मेर में इन दिनों कोरोना की जंग में भामाशाह ढाल का काम कर रहे हैं। बाड़मेर में निजी कंपनियां कोविड आपदा में लोगों की जान बचाने के लिए बढ़ चढ़कर मदद कर रही हैं। कोविड के विरुद्ध सरहदी बाड़मेर की लड़ाई में भामाशाहों के लगातार सहयोग से हमारी प्रतिबद्धता में शनिवार को और मजबूती मिली। शनिवार को बाड़मेर जिला प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड द्वारा 30 आईसीयू बेड, 15 आईसीयू बेड, हैलीबर्टन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा और 10 बेड, 4 ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रेक्टर और 5 मल्टीपैरा मॉनिटर प्रवीण एंड कंपनी कवास द्वारा इस संकट के दौर में जिला प्रशासन को सौंपे गए। इस अवसर पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन और जिला कलेक्टर लोकबंधु ने इन कंपनियों के मालिकों और प्रतिनिधियों का आभार जताते हुए कहा कि आप सभी का ये सहयोग निसंदेह आमजन की जिंदगी को बचाने में सहयोग करेगा। जैन ने सभी भामाशाहों का संकट के समय दिए गए सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद प्रकट किया है। जिला अस्पताल में साउथ वेस्ट की तरफ से आईसीयू बेड 30 दिए हैं, 30 दिए हैं और हेलीपैटन कंपनी द्वारा कवास के अंदर 15 बेड बाड़मेर में और 10 बेड प्रवीण कंपनी कवास में और उसके साथ साथ ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर, मॉनिटर और ये पूरी सीएसी कवास के लिए ये भमासा सारे इकट्ठे होकर उसको अच्छी तरह से शुरू करेंगे। कल से वो शुरू होगी। मैं बाड़मेर की जनता की ओर से साउथ वेस्ट आपके हेलीपैटन और परिवहन कंपनी इन सभी ट्रस्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस कोरोना काल के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया। हमेशा आगे आ रहे हैं और हर तरह से मदद कर रहे हैं। बाड़मेर के भादरेस में कोयले से बिजली बनाने के लिए 1280 मेगावाट के प्लांट लगा चुकी राजवेस्ट पावर लिमिटेड इससे पहले भी जिला अस्पताल और जिले के अलग अलग जगहों पर स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सरोकार से जुड़े मामलों पर मदद के हाथ आगे बढ़ाती आई है। राजवेस्ट पावर लिमिटेड की साउथ वेस्ट माइनिंग के सिक्योरिटी हेड दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि बाड़मेर की जनता के लिए हर संभव मदद की जा रही है। हमारे द्वारा जनसेवा के लिए आने वाले दिनों में और भी कई जनहितैषी कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर बाड़मेर विधायक के साथ साथ जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रत्नू, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बाबूलाल विश्नोई, राजवेस्ट भादरेस प्लांट के सुरक्षा हेड दिलीप कुमार सिंह, साउथ वेस्ट माइनिंग हेड बीआर विश्नोई, राजवेस्ट की सीएसआर हेड अनीता छंगाणी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी विश्नोई, जिला अस्पताल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर बीएल मंसूरिया, युवा उद्यमी जोगेंद्र सिंह चौहान समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।